गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी यानी ट्री टू के, स्पेशली जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज कट ऑफ आपने देखा होगा, कुछ सब्जेक्ट के बहुत ही हाई और बहुत ही लो गए हैं। कुछ सब्जेक्ट के सिलेक्शन हो चुका है, काउंसलिंग जारी है, कुछ लोगों का ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। इसी बीच सैलरी का चर्चा हो रहा है। आइए बीपीएससी ट्री टू के टीचर्स की सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी की बात करेंगे। जो बेसिक पे है इनका वो 25,000 रुपये है। डीए का मतलब आपको बताता है 46% मिलता है। और ये है डीआरएस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है वो 11,500 है। मेडिकल 1,000 रुपीज़। एच आर ए बोले तो होम रेंट अलाउंस, ठीक है, 1,000 रुपया। और CTA जो है यानी 1,500 प्लस DA जो है, इसकी बात हम आगे बताएंगे। और नेट सैलरी आप देखेंगे तो 40,630 रुपये है। 35 रुपये 14% पेंशन है। और जो ग्रॉस सैलरी है फ्रेंड्स, वो 44,130 रुपये है। एक ग्रॉस सैलरी ध्यान रखिएगा, ये बेसिक टीचर यानी PRT टीचर्स की सैलरी है। 6 to 8 की अगर बात करते हैं तो इनका जो बेसिक पे है वो 28,000 है। और इसका जो DA, जिसे हम DRS अलायंस बोलते हैं, वो 12,880 रुपये है। मेडिकल इनका भी 1,000 है। और HRA जो है इनका 1,120 रुपये यानी 1,120 रुपया है। और CTA उनका सेम टू सेम है, 2130 ही है यानी 2,130 रुपये CTA है। और इनका जो नेट सैलरी है वो 45,130 रुपया है। और इनका पेंशन है 3920, बोले सो 3,920 रुपये। और इनका जो ग्रॉस सैलरी है फ्रेंड्स वो 49,050 रुपये है। बात करते हैं TGT टीचर्स की। इनका बेसिक जो पे है वो 31,000 रुपये है। 14,260 रुपये इनका DRS अलाउंस है यानी महंगाई भत्ता है। और मेडिकल की बात करते हैं 1,000। HRA की अगर बात करते हैं 4% तो 1,240 रुपये। और CTA सेम टू सेम है। इनका जो नेट सैलरी है वो 49,630 रुपया। और 4,340 रुपये इनका पेंशन में कट जाएगा। और टोटल अगर देखा जाए तो 53,970 रुपया यानी TGT के लिए आप 54,000 मान सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेकेंड ईयर और उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल में दो वैकेंसी है। पहले आप देख लीजिए 11 और 12 में 3200 है बेसिक में, 14,700 DRS अलायंस है, मेडिकल है 1,000 का, और 1,280 HRA है, 3130 आपको CTA है, और 51,130 नेट सैलरी है। पेंशन ऐड करके आपको 55,610 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेड टीचर की अगर बात करते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो उनका 30,500 रुपये है बेसिक, 14,030 रुपया उनका DA है, DRS अलाउंस है, 1,000 मेडिकल और 1,220 रुपया HRA, 3130 इनका CTA है, और 48,880 रुपया इनका नेट सैलरी बन रहा है। 4,270 इनका पेंशन है। ऐड कर दीजिए तो प्राइमरी के हेडमास्टर का 53,150 रुपया बनता है ग्रॉस में। हेडमास्टर टू की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो जान लीजिए हेडमास्टर टू जो है जूनियर में जो हेडमास्टर होगा उसकी बात कर रहा है। इनका बेसिक्स जो सैलरी है वो 35,000 है। 16,100 जो है DA है, 1,000 मेडिकल, 1,400 रुपया इनका HRA है यानी जो होम रेंट अलाउंस है, फिर 3130 इनका CTA है, 55,630 रुपया इनका बेसिक नेट बनता है, 4,900 रुपया यानी 4,900 इनका पेंशन है। और इनको जो सैलरी अवेलेबल होगी वो 60,530 रुपया मिलने वाला है ग्रॉस में, लेकिन उसमें से 4,900 पेंशन के रूप में कटेगा। एक जो CTA की मैं बात कर रहा था 3130 के बारे में, अर्थात 2,130 रुपया, तो ये कह रहा है कि जितने भी ज्वाइनिंग्स होंगे ना फ्रेंड्स, जितने भी ज्वाइनिंग होंगे वो ग्रामीण एरिया में होंगे। अब ग्रामीण एरिया में होने की वजह से जो CTA 500 प्लस DA दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसका ये वाला हिस्सा आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यानी 2,130 रुपया है ना, यह नहीं मिलेगा, इसको कट करके ही दिया जाएगा सैलरी। तो ध्यान रखिएगा जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी में से 2,130 रुपया घटा करके ही आप अपने सैलरी को देखेंगे। ठीक है, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट सैलरी के बारे में कुछ फैक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।